जब 21 साल मुल्क से बाहर रहते हैं ना, तो आपको अपना मुल्क बहुत याद आता है, और मुझे अपने लोग बहुत अच्छे लगते हैं। जैसे आप चुलबुली चुलबुली सी लड़की हैं, तो देखें कितना मज़ा आ रहा है। तो पाकिस्तान, हर इंसान जब बाहर जाता है तो वापस अपनी रूट्स की तरफ ही आता है। सबको बना बना के प्रमोट कर करके तो क्यों ना मैं खुद वो अपना डिज़ाइन अब लोगों के सामने लेकर आऊँ, तो इसलिए फिर मैंने अपना लेबल बनाया। अस्सलामुअलैकुम जी, मैं हूँ आपकी प्यारी सी होस्ट आमिना आजमत। आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल स्टे विद आमिना, और आज की पर्सनालिटी जिससे मैं आपको मिलवाने जा रही हूँ वो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। USA में भी बहुत मशहूर इवेंट मैनेजर रह चुकी हैं, अपना इनका बिजनेस है, बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज़ और बड़ी बड़ी मॉडल्स को ये लॉन्च कर चुके हैं USA में, और USA से सीधी आई हैं पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान को ज़रूरत है एक अच्छे फैशन डिज़ाइनर की, एक अच्छे इवेंट मैनेजर की, जो कि फैशन इंडस्ट्री को एक अच्छी चीज से मुतारिफ करवा सके। और जैसे कि आप देख रहे हैं मेरा ये जो जोड़ा है जो मैंने पहना हुआ है, ये भी नताशा खान का है। जी, नताशा खान हमारे साथ मौजूद हैं, चलिए इनसे बात करते हैं और बाकी की सारी डिटेल्स जानते हैं। अस्सलामुअलैकुम जी, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। नताशा, आप USA से आ गई पाकिस्तान, रीजन क्या थी जो मैंने बताई नाजरीन को, या इससे हटके? नहीं, यही रीजन थी, क्योंकि देखें आप जब 21 साल मुल्क से बाहर रहते हैं ना, तो आपको अपना मुल्क बहुत याद आता है, और मुझे अपने लोग बहुत अच्छे लगते हैं। जैसे आप चुलबुली चुलबुली सी लड़की हैं, तो देखें कितना मज़ा आ रहा है। तो पाकिस्तान, हर इंसान जब बाहर जाता है तो वापस अपनी रूट्स की तरफ ही आता है, तो इसलिए मैं पाकिस्तान आई। एक बहुत अच्छा डिसीजन आपने ये लिया कि आपने इवेंट मैनेजर तो किया, सारा कुछ मैनेजमेंट आपने सीखी की USA में, लेकिन आप ये फैशन डिजाइनिंग की तरफ जाएं और इतने प्यारे प्यारे ड्रेसेस बनाना शुरू किए, ये सोच कैसे आई थी? क्या आपको ये पसंद था, इसको पढ़ा हुआ था, या बस वैसे दिल में आया कि यार नताशा खान आ जाए? नहीं, बहुत अच्छा सवाल है, और तुमने जितने खूबसूरती से किया है या आज तक किसी ने नहीं किया इस तरीके से। तो सवाल ये है कि लोग मेरे बारे में इतना जानते नहीं हैं, लेकिन जब USA में मेरा फर्स्ट ट्रिप था, वो ट्रिप ही एज अ मर्चेंडाइजर था, और जिनको मर्चेंडाइजिंग की मीनिंग आते हैं उनको मालूम है वो क्या होता है। तो आई यूज़ टू वर्क फॉर TCP लेबल, एनहेंस लेबल के लिए मैं कपड़े मर्चेंडाइज करती थी कराची ऑफिस में। सो वो ऑफिस मुझे लेके गया था न्यूयॉर्क। सो मैं शुरू से डे फर्स्ट ही फैशन में थी, लेकिन काम लोगों के लिए करती थी, और बड़े बड़े डिज़ाइनर्स को जो है वो मैंने वहाँ पर फैशन शोज़ मैनेज किए, ये सब काम एज ए इवेंट मैनेजमेंट में मैंने किया। तो उसके बाद मैंने वहाँ पढ़ाई की जो कि ब्यूटी से रिलेटेड थी, कॉस्मेटोलॉजी की, मैं वहाँ की लाइसेंस कॉस्मेटोलॉजिस्ट भी हूँ। तो इतनी लंबी मुसाफत है कि इतना बड़ा इंट्रोडक्शन है, लेकिन ब्यूटी फैशन और हेल्थ में ही घूमती रहती हूँ। तो फाइनली तुम्हारा ये सवाल कि क्यों मैंने सोचा कि अब लेबल पे आना चाहिए, इसलिए आना चाहिए कि सबको बना बना के प्रमोट कर करके तो क्यों ना मैं खुद वो अपना डिज़ाइन अब लोगों के सामने लेकर आऊँ, तो इसलिए फिर मैंने अपना लेबल बनाया। अपने लिए सोचना बहुत अच्छी बात है, दूसरों के साथ भी आपने काम किया। मज़ा किस चीज़ में आता है, बिजनेस करके जो कि आपने अभी स्टार्ट लिया, या वो चीज़ जो आप एज अ जॉब कर रही थी? नहीं, बिजनेस में शुरू से कर रही थी, लेकिन मैं दूसरे डिज़ाइनर्स को प्रमोट करती थी, क्योंकि एज अ इवेंट मैनेजमेंट में उनके शोज़ कराती थी, उनके एग्जीबिशंस कराती थी। तो ये नहीं है कि मैं वर्क कह लें बिजनेस कह लें, एक ही बात है, लेकिन मज़ा तो उस वक्त भी लोगों के लिए ही काम करती थी, और अभी भी नाम मेरा है लेकिन दर्शन लोगों के ही हैं, क्योंकि अभी भी जो ये लेवल बन रहा है इसमें फ़ायदा जो ऑल इन जनरल है वो लोगों का ही होना है, मेरा सिर्फ नाम ही बजना है। कुड़ियाँ प्यारी प्यारी लगेंगी हैं। बस अच्छा लगता है, और लोग मुझे हमेशा अप्रिशिएट करते थे कि आप क्यों नहीं फैशन डिज़ाइनर बनती हैं, आप इतना अच्छा खुद को कैरी करती हैं, आप ये करती हैं वो करती हैं। लेकिन अभी भी देखिए ना कि अगर कोई भी इंसान वापस आकर कोई भी बिज़नेस शुरू कर रहा है तो वो इतने लोगों का रिस्क जनरेट कर रहा है, तो एक मेरे से तो ये नहीं होता ना, इसके नीचे इतने लोग साथ जुड़ेंगे और बहुत सारे लोग काम में आएंगे, बिजनेस में आएंगे, तो एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट होगी इसमें। बहुत अच्छे ख्यालात हैं आपके। मुझे ये बताइए, पंजाबी बोल लेती हैं? हाय, मैं बहुत अच्छी पंजाबी बोल लेती हूँ। अच्छा, तो बोलो ना साढ़े नाल थोड़ी जी पंजाबी बोलो, साढ़े व्यूवर्स जेड़े ने वो भी देख सकन कि तानू पंजाबी आंदी है। वो फिर मुझे पता है लोग क्या बोलते हैं, आप क्योंकि आपका शो है तो मुझे पता है मैं कुछ भी बोल सकती हूँ। वो जोंग कहता है सब कह दो, तो इसी तरह स्टे विद आमिना भी कहती है कि सब कह दो जो भी दिल में, क्योंकि फिर ना लोग मुझे कहते हैं ये मैम आपको क्या हुआ, आप USA से सीधे शाहदरे की बन गई है। नहीं, पंजाबी मन वाकई बहुत अच्छी लगती, और उधर रीज़न है वे कि पंजाबी मेरी मदर टंग नहीं हैगी, आई थिंक मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ। अल्लाह जी। अच्छा मुझे ये बताइए, ये जो नाम है आपका नताशा खान एथलियर, मैंने तो बोल लिया, बाकी लोग भी बोल लेते हैं?
बस नहीं बोलते, बात समझ में आनी चाहिए, बट टेक्निकली ये एक फ्रेंच वर्ड है. एक्चुअली यार देखो, बाय इटसेल्फ कुछ नहीं है, बाय इटसेल्फ नताशा खान ही है, ठीक है, जैसे बाकी बड़े बड़े माशाल्लाह अच्छे डिज़ाइनर्स हमारे मुल्क का नाम है, इस तरह ये भी वही नाम है. लेकिन इसके साथ एटेलियर लगाया जिसके मीनिंग्स में लोगों को समझ आ रहे हैं. एटेलियर मीनिंग होता है स्टूडियो या कोई भी जगह या जहाँ पे ये मतलब आप वो काम करते हैं या उस जगह पे सजाया जाता है और उसमें कोई भी प्रोडक्ट आ सकता है. अच्छा, कोई भी प्रोडक्ट. तो मज़ीद कोई प्रोडक्ट लॉन्च करनी है या सिर्फ ड्रेस डिज़ाइनिंग पे सारा? नहीं, नहीं, इसमें सब कुछ होगा इंशाल्लाह, फैशन से रिलेटेड सब कुछ आएगा इस एक एटेलियर के अंदर. हम लिटिल बाय लिटिल आगे जाएंगे. अच्छा नताशा, मुझे ये बताइएगा कि ये आपकी पहली कलेक्शन है और आपने वाइट और गोल्ड थीम दिया हुआ है ज़्यादातर कपड़ों को, तो ये क्या सोच के दिया था? क्योंकि लड़कियां तो शौक रंग पसंद करती हैं, आपने क्या सोच की? क्योंकि आजकल ना मेरे दिल में आया कि देखो जो मेरा कलेक्शन पहने ना, वाइट एंड गोल्ड एक प्योरिटी में आता है, ठीक है, शुरू से ही एक प्योरिटी का कलर है वाइट. और समर था तो पहली कलेक्शन थी तो मेरे दिल में, और इस कलेक्शन का नाम ही अमीरा है, वो भी एक मैंने बिल्कुल अमीरा मीन शहजादी, कि जो भी लड़की या ब्राइड इसको कैरी करेगी वो खुद को प्रिंसेस महसूस करेगी. इस टाइम पे तो मैं भी खुद को प्रिंसेस ही फील कर रही हूँ. आप देख सकते हैं कितना मतलब मजे का काम है इस पे, और मैं कैसे शहजादियों की तरह बैठी हूँ. ऊपर से मेरी ज्वेलरी भी बहुत अच्छी है जो कि नताशा खान ने दी है. तो इसलिए मैंने पहली कलेक्शन जो है वो वाइट एंड गोल्ड में चूज़ की, और क्योंकि उसका नाम दिया ऐसा था. बट उसके बाद वाले जो मैंने क्लोथिंग बनाई है वो सब कलरफुल है, फुल ऑफ कलर्स है. अच्छा नताशा, मुझे ये बताइएगा कि आपकी जो नेक्स्ट कलेक्शन आ रही है वो किससे रिलेटेड होगी? वो मिक्स होगी, क्योंकि आपको मालूम है वेडिंग सीजन शुरू हो रहा है, तो हम आपके प्रोग्राम के तवसत से ये भी कहेंगे कि जो जो हमें ट्राई करना चाहता है, हमने बुकिंग जो है वो उसकी कर दी है स्टार्ट, और वेडिंग के हम कुछ कलेक्शन बनाने जा रहे हैं और बकरा ईद की तैयारियां. अच्छा, तो मुझे ये बताइएगा कि आपकी जो कलेक्शन आने वाली हैं या जो मौजूद हैं वो सिर्फ पाकिस्तानियों के लिए हैं या आउट ऑफ कंट्री के लिए? नहीं, क्योंकि मैंने आपको बताया मेरी बेस अमेरिका है, कनाडा है, ग्लासगो है, दुबई है, तो जहाँ जहाँ से जो हमें ऑर्डर मिलेंगे ऑनलाइन, हमारे इंस्टा और FB पेजेस हैं नताशा खान एटेलियर के नाम से, तो हम वहाँ जाके एग्जीबिशन भी करेंगे. रिसेंटली मैं फ्लाई कर रही हूँ इंशाल्लाह, तो ईद से पहले वहाँ भी एग्जीबिशन ज़रूर होंगे न्यूयॉर्क में, न्यू जर्सी में. कॉन्ग्रेचुलेशन एंड बेस्ट ऑफ लक. जी मैं ज़रूर चलूँगी अगर आप मुझे एज अ मॉडल लेके जाएंगे तो. ठीक है, बनाएंगे अपनी मॉडल. हाँ श्योरली, देख ले आप हमारे अगले कलेक्शन की मॉडल. यस, ये तो वादा हो गया, स्क्रीन पे रिकॉर्ड हो गया. मैडम मुझे जरा ये बता दीजिए कि जो आजकल की ब्राइडल हैं उनको कलेक्शन कलेक्ट करते हुए बहुत सोचना पड़ता है, मेरे पे क्या सूट करता है क्या नहीं करता. आपको क्या लगता है कि ब्राइडल्स को क्या कैरी करना चाहिए, क्या वो अच्छे से कर सकती हैं? मेरा ख्याल है कि आजकल तो बच्चियां बहुत स्मार्ट हो गई हैं, क्योंकि सोशल मीडिया ने इतना एक्सपोजर दे दिया है कि लोग गूगल पे एक चीज़ लिखते हैं और 10 चीज़ें उनको मिलती हैं. लेकिन मैं फिर भी कहूँगी कि बच्चियां बहुत ज़्यादा अवेयरनेस में चली गई हैं, और कंसल्ट उनको ज़रूर करना चाहिए कि अपनी पर्सनालिटी को देखते हुए कि उन पर क्या सूट करते हैं. कहते हैं फैशन वो करना चाहिए जो खुद पर अच्छा लगे, ये नहीं कि फलाने पर अच्छा लगे. हर चीज़ जो आप पे अच्छी लगती है वो पहने, और कलर कॉम्बिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. आपकी स्किन टोन के साथ कलर्स कैरी करने चाहिए, आपकी जिसामत क्या है उसके मुताबिक आपको फैब्रिकेशन को कैरी करना चाहिए. बट समटाइम लोग सिर्फ ये कहते हैं फलाने ने ऐप आया है मैम ही ऐप आना है, पर वो फलाना जो होता है वो अपनी एक फिजीक का मालिक होता है, अपनी एक स्किन टोन का मालिक होता है, तो सेम चीज़ें नहीं हो सकती हैं. तो मैं तो यही कहूँगी. अच्छा नताशा, आप ही ये जो आपने पहना ओवर ड्रेस किया ये मेरे पे अच्छा नहीं लगेगा? आप तो प्यारी सी बच्ची हो ना, अभी आप पे तो सब अच्छा लगेगा. अच्छा लगेगा, देखो ब्लैक नेवर गो रॉन्ग ना, ब्लैक नेवर गो रॉन्ग, इसीलिए मैंने आपको वाइट में बिठाया, मैं खुद ब्लैक में. हाय, ये आपकी यानी कि एक कोशिश थी कि आमना को वाइट में बिठाना, लेकिन मुझे ये ड्रेस पर्सनली बहुत पसंद आया और मैं आप सबको रिकमेंड करती हूँ. अगर आप शहजादी बनना चाहती हैं बल्कि, तो फिर आप ये वाला ड्रेस हमसे ऑर्डर कर सकते हैं, क्योंकि मैं इनका जो लिंक है पेज का वो आपको दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में. अच्छा मुझे ये बताइएगा कि फैशन में अभी क्या चीज़ इन है, लॉन्ग शर्ट्स हैं या शॉर्ट शर्ट्स हैं, किस हिसाब से आजकल चल रहा है काम? मैं बताऊँ, खिचड़ी पकी हुई है. बहुत ही टेक्निकल सी बात हो गई है कि बस ज़्यादा लॉन्ग शर्ट्स चल रही हैं और ट्यूनिक चल रहे हैं, और शॉर्ट शर्ट के साथ अगर शरारे वगैरह तो चलते हैं, बट ज़्यादा वैसे लॉन्ग इन है जो मुझे समझ आ रहा है, या मुझे खुद मैंने भी जो डिज़ाइनिंग की है उसमें मुझे दिमाग में जो आती हैं चीज़ें वो ज़्यादा लॉन्ग ही होती हैं. और वैसे कुर्ती वगैरह तो फिर ट्यूनिक बनाती हूँ मैं, तो उसमें चल रहा है, यही चल रहा है ज़्यादा मेरी.
ओके नताशा, आजकल देखा जा रहा है कि पाकिस्तानी कल्चर को एक बड़ी बुरी रवायत से जोड़ दिया गया है, पेट नज़र आ रहा होता है अक्सर कपड़ों में, अक्सर मतलब वो फिर पसंद नहीं किया जाता फैमिलीज में, तो आपकी क्या चीज़ है, क्या सोच है कि आपने किस तरह से लेके चलना है, क्या आप लोअर मिडिल क्लास के लोगों को भी जहन में रखेंगी या सिर्फ एलीट के लिए काम करेंगी? नहीं, मैं सबके लिए काम करूँगी, इसीलिए मैंने यही कहा है कि ऑर्डर टू मेड मेरी कलेक्शन ज़्यादा होगी। देखें, हम उसके भी अगेंस्ट नहीं हो सकते क्योंकि वी आर द बिजनेस पीपल, ठीक है, तो जो ज़माना चाहता है वो हमें उनके लिए बनाना पड़ता है, लेकिन जो जैसा लाइक करता है वैसे हम उनको ज़रूर बना के देंगे। उसमें ये ड्रेस है, अगर कोई चाहेगा तो या फुल स्लीव्स कर देंगी, सारा कुछ ढका होगा? जी बिल्कुल, हम अपनी डिजाइनिंग तो करते हैं, हम एक मॉडल और एक सैम्पलिंग जिसे बोलते हैं उसके हिसाब से हम एक अप टू डेट चीज़ बनाते हैं, लेकिन अगर कोई क्लाइंट मेरे पास आता है और वो ये चाहता है कि नहीं मैं बहुत रिलीजियस हूँ और मुझे ये ड्रेस बहुत अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप इसमें मुझे लाइनिंग लगा दें, जी एवरीथिंग अकॉर्डिंग टू क्लाइंट हम उसमें ऐड कर सकते हैं। इवन ये जो आपने ड्रेस पहना है ये डिफरेंट कलर में भी बनाया जा सकता है, मैंने इसको वाइट एंड गोल्ड में किया, लेकिन अगर आप आती कहती नहीं आप मुझे इसको आप रेड में बना के दीजिए तो ये सेम ही पोल्का डॉट में ही यही फैब्रिकेशन में मैं आपको ये रेड कलर में भी दे सकती हूँ। अच्छा, अब एक बड़ा मजे का क्वेश्चन है मेरे माइंड में कि जो प्राइसेज है आपकी वो किस लेवल तक है, कहाँ से स्टार्ट है, कहाँ पे एंड? ऑनेस्टली अगर मैं ये कहूँ कि एक डिज़ाइनर का टैग लगा के भी मेरी प्राइजेज, मैंने कोशिश की है कि हर बंदा उसको अफोर्ड कर सके, बट आपको पता है दुनिया है, सब समझती है, तो अकॉर्डिंग टू मेरी प्राइस रेंज भी मुझे कोई डर नहीं लगता बताते हुए मीडिया पे भी कि समवेयर 6,000 से स्टार्ट होती है और अभी तक मैंने मैक्स बनाया है तो 30-40,000 तक का बनाया ताकि हर बंदा उसको ले सके। अमेजिंग, ये तो बहुत अच्छी प्राइसेस हैं और हर कोई खरीद सकता है, 6-7 हज़ार का ड्रेस आई थिंक इतना ज़्यादा महंगा नहीं होता। सबसे अहम सवाल तो ये है, आपने डिज़ाइनिंग भी कर ली, ड्रेसेस भी बना लिए, और रिस्पॉन्स कैसा है आप? माशाल्लाह रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है, मेरी उम्मीदों से भी बहुत ज़्यादा अच्छा मुझे रिस्पॉन्स मिला है, एंड आई लव एवरीबडी इन पाकिस्तान जिन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया है, ऑल माई मीडिया पीपल और ऑल माई फ्रेंड्स, और माशाल्लाह मैं कहती हूँ कि जस्ट स्टेप्ड इन टू द बिजनेस और अभी भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। माशाल्लाह माशाल्लाह, बेस्ट ऑफ लक नताशा, हम बहुत खुश हैं कि आपने ये काम स्टार्ट किया है और आपकी डिज़ाइंस देख के ना मैं दिली तौर पे बड़ी खुश हुई हूँ कि बहुत अच्छा काम है आपका, अभी तो ये स्टार्ट है और जैसे आप इसको आगे लेके चलेंगे तो हमें बहुत सारा अच्छा फैशन इंडस्ट्री का माल दिखाई देगा आपके पास वो मॉडल्स में भी हमें नज़र आएंगे और कपड़ों में भी नज़र आएंगे, कैसा? बहुत आला, बहुत प्यारी बात किया तो चलिए अब आप अपने व्यूअर्स को क्या पैगाम देना चाहेंगे? बस मैं यही पैगाम सबसे पहले तो देना चाहूँगी कि फॉलो सब्सक्राइब हर चैनल, शी इज़ द बेस्ट। जो मुझे ऐसे लोग बहुत अच्छे लगते हैं जैसे आमना, इस छोटी सी एज में इतनी बड़ी जिम्मेदारी अकेले वन वुमेन शो लेके चली है, आई सल्यूट यू आमना बिकॉज आई सी इन यू माई सेल्फ। मुझे लोग हमेशा वन वुमेन आर्मी मैं खुद को कहती हूँ, और जब मुझे एक और दबंग लड़की पाकिस्तान में मिली है तो स्काई इज़ द लिमिट। सो फॉलो एंड सब्सक्राइब हर चैनल एंड सपोर्ट हर। हम अगर आज अपनी यंग जनरेशन को सपोर्ट नहीं करेंगे तो कोई भी नहीं करेगा, तो हैट्स ऑफ टू यू और दुआ में सब याद रखें। थैंक यू नताशा, थैंक यू जी। तो कैसा लगा आपको नताशा खान से मिलना, और इनके डिज़ाइंस भी हम आपको थोड़े बहुत दिखाएंगे ताकि अगर आपने सिलेक्शन करनी है तो वो कर लें और ईद से पहले पहले आप ख़रीदारी कर सकते हैं, और इनकी नेक्स्ट कलेक्शन भी बहुत जल्द आ रही है जिसे हम देखेंगे इनके पेज पे। किस पेज पे? नताशा खान इटालियर, हमारा इंस्टाग्राम एंड फेसबुक इज द सेम नेम। Yes, आपने सुन लिया, तो देखते रहिए स्टे विद आमिना और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा आपको ये ड्रेस कैसा लग रहा है, ये वाला कैसा लग रहा है और हम कैसे लग रहे हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।